House of Zeus! Yes, sir! House of Zeus! Yes, sir! House of Zeus! Yes, sir! करो करो बंदे मातरम अकेडमी म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज Thank you.
एक्टिविटी देख के मुझे अपने मतलब बचपन के दिन याद आ गए। वैसे अब मैं भी छोटा ही हूँ, लेकिन मैं नवोदय का पढ़ा हूँ और वहाँ भी सुबह 4 बजे से हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती थी, रोल कॉल शुरू हो जाता था, सेम आपकी तरह जैसे आप रिपोर्टिंग करते हैं। और मैं ज्यादा तो नहीं टाइम लूंगा आपको, क्योंकि धूप आपको भी हो रही है, मैं भी ठंडे में बैठा था, मैंने कहा क्यों ना मैं भी धूप में आ जाऊँ। क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि हम जो चीज आज कर रहे हैं इसका कुछ कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूंगा यहाँ सिंबल सर का, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गॉड टू बीइंग हियर पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। और सबसे पहले जो हमारे अतिथि यहाँ पर आए हैं ये भी सब टीचर्स हैं, तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं आप सभी से ये चीज कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है, जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, यस और नो? मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे मेरे टाइम पे जब मैं 10th क्लास में था तो एक मोटिवेटर हमारे पास आए थे और उन्होंने एक ही चीज हमको कही थी, आप उसको समझने की कोशिश करना, सेम लाइन मैं आपको कहने जा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल सा इसका जो है अर्थ है, वो लाइन ये थी कि The secret lies in the fact that successful people form the habit of doing things that failure don't like to do. जो उन्होंने ये बात कही तो मुझे भी समझ नहीं आई, शायद यहाँ भी कईयों को समझ नहीं आई होगी।
लेकिन जब वही चीज उन्होंने हिंदी में कही तो हमारे दिमाग में वो माइंड सेट बैठ गया। उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल लोग यानी सक्सेसफुल लोग वो चीजें करने की आदत डालते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग और आम आदमी कर नहीं सकते। जैसे सुबह चार बजे बाद में हो जाना, मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ, सुबह चार बजे उठना और वॉकिंग करना, जॉगिंग करना अच्छी बात है, यस और नो? लेकिन आप बताओ 100 में से कितने लोग करते हैं? 100 में से एक आदमी करता है ना, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आप उन हजार लोगों में से अलग हैं जो इस एक्टिविटी को करते हैं। रोज प्रैक्टिस करना, रोज रोल कॉल करना, रोज इतनी एक्टिविटीज करना हर किसी आम आदमी नहीं कर सकता। यानी कि आप उस एकेडमी का हिस्सा हो, आज आप उस आम आदमी से अलग हो कि आप वो चीजें कर पा रहे हैं जो एक आम आदमी नहीं कर पाता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज से ही, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपका आज ये रोल कॉल देखा, पूरी एक्टिविटीज देखी, तो मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि आप सभी लोग सक्सेसफुल पीपल हैं। जब वो नाचते थे तो बारिश होती थी। और एक बार क्या हुआ कि पड़ोस के गांव में सूखा पड़ गया, यही समय रहा होगा जून के टाइम, और सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद होगी, भुखमरी आने की नौबत हो गई। लेकिन उस गांव में जो राजा रहा करते थे, उनसे प्रजा ने एक रिक्वेस्ट करी, क्या कहा कि सामने पहाड़ी पे एक बाबा रहते हैं, कि जब वो नाचते हैं तो बारिश होती है, क्या होती है? बारिश। कि जब वो नाचते हैं तो बारिश होती है, क्यों ना उनसे रिक्वेस्ट किया जाए और उनको बुलाया जाए कि वो यहाँ पर आएंगे और नाचेंगे और तब वो बारिश होती है। यस और नो? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो सेम कंडीशन, बाबा जी को बुलाया गया, बाबा जी ने अपना सेटअप लगाया, धूप बत्ती अगरबत्ती नाचने का पूरा गांव गोला बना लिया, और उसके बाद बाबा जी ने नाचना शुरू किया। बाबा जी नाचते रहे, एंड यू डोंट बिलीव दैट कि थोड़ी देर में बारिश हो गई। गाँव वाले ये सारी चीजें देख रहे थे और सबके होश उड़ गए कि भाई ऐसा हुआ कैसे कि इतने मतलब दिनों से हम भूखे मर रहे हैं, भुखमरी आ रही है, सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, पानी की कमी है, कि हुआ कैसे कि बाबा जी नाचे और बारिश होगी। तो सबने हाथ पैर जोड़े, बाबा जी से रिक्वेस्ट करी कि आप हमें ये राज बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आप नाचे और बारिश हो गई। तो आप जान के खुश हो जाएंगे कि बाबा जी ने छोटी सी बात बोली कि मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है। क्या कहा? कि मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है, लेकिन मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती है। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि भाई आर्मी में हर दिन लोग निकल रहे हैं, पुलिस में हर दिन लोग जा रहे हैं, क्या वो एक ही टाइम में निकल जाते हैं? नहीं, लेकिन वो तब तक प्रैक्टिस करते हैं, तब तक करते हैं जब तक वो निकल नहीं जाते। हमको दिन रात उसकी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम वहां पहुंचते। कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फुल फैसिलिटी है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनके गाइज यहाँ पर जो है इनके बंकर बने हैं, रेस्ट हाउस देखने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। और वंदे मातरम ट्रेनिंग एकेडमी ऐसे मॉल जी चलाते हैं, बहुत ही अच्छी, जैसे कि आपने पूरी वीडियो में भी देखा कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इवनिंग टाइम पे क्या है कि मॉर्निंग टाइम से लेके इवनिंग टाइम तक फिजिकल, और उसके बाद इनको जो है रिटर्न की तैयारी करवाई जाती है। सो गाइज़ आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप हैं, अगर आप देहरादून से भी हैं, तो आप बड़कोट में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बड़कोट में ये ट्रेनिंग करवाई जाती है, और बहुत ही सूटेबल और एक हिसाब से निःशुल्क ही है। सो गाइज़ आप आएँ और ज़रूर यहाँ पर ट्रेनिंग करें। सो थैंक यू सो मच।